हेलो एवरीवन, एक्चुअली मेरे साथ स्टेशन में कुछ हैपन हुआ, तो आप वीडियो देखिए। एक्चुअली मेरे पास सही टाइम पर कैमरा नहीं था तो मैं वो सब कुछ शूट नहीं कर पाया, लेकिन उनके अंदर मेरे अंदर जो बातचीत हुआ है मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ, आप जरूर देखना। एक्चुअली मैं गया था कुछ काम से बुरहमपुर, तो मैंने जब आया तो मेरा ये सीट खुला था और मैं यहाँ पे हेलमेट लगा था, मेरे हेलमेट का ब्लूटूथ ये सब खुला था यहाँ पे। और जब मैं क्लेम किया वहाँ के जो भुवनेश्वर के स्टेशन के पास जो बाइक रखने का स्टैंड है वहाँ पे, जब मैंने कंप्लेन किया कि ऐसा हुआ है, वो बोले भाई हमारा कुछ रिस्क नहीं है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। मुझे लगता अगर उनके होते हुए अगर कोई मेरी गाड़ी को डैमेज भी करके चला जाएगा, उनका कोई रिस्क नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं। हम सिर्फ गाड़ी रख मतलब गाड़ी यहाँ पर रखने के लिए पैसा दे रहे हैं, गाड़ी का कोई केयर लेना है कुछ लेना ऐसा कुछ नहीं है। केयर लेना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको एटलीस्ट देखे तो हमारा गाड़ी सही सलामत है कि नहीं। आज मतलब मुझे क्लियर डाउट है कि मेरे हेलमेट में जो ब्लूटूथ है वो वगैरह उसको लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो असफल है क्योंकि मेरा हेलमेट अंदर था लॉक्ड था, लेकिन वो सीट खोल लिया लेकिन हेलमेट नहीं निकल पाया। ठीक है, तो दिक्कत ये है, मतलब मुझे डाउट हो रहा है कि गाड़ी का सीट लग खोला कैसे, वो बहुत अजीब सा बात है। आगे से भाई जब भी आना भाई, आप लोग अगर यहाँ पे गाड़ी रख रहे हो तो खुद के केयर में रखना, और बहुत महंगी बाइक मत लाना यार, कुछ भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, अठर टकर आम गाड़ी डैमेज है एम मैंने सब जिन ना ना टिकेट रे को मना कर आप टिकेट लिखि ना बोल मो गाड़ी रु सीट खोला चांसेस अछि मो गाड़ी को के पछि फुफाड़ दे पड़ो डैमेज हे जु आपन रिस्क नेबे नि मंदिर पाखे रखीदे जन जब दि जन आस गाड़ी बाहर कल ये गाड़ी पिंधु जब गोटे सीट खोलिक खोल बुझे गाड़ी रखी कर्तव्य जन मना कर क्लीयर कट मेनसन कर डैमेज बियंड कर कम गाड़ी अच्छी आज टे कम गाड़ी कहल रही कस्टमर जो पिटी दे पल सीट टा खोल अलग सीट खोल पुणी हेलमेट खोला है जो लॉक टा लॉक टा सीट भीतर थिला एटा बाहर अछि जोटा से खोली पारिनी सीट सीट खोलला पर भी ए हेलमेट टा से खोली पारिनी चेस्ट कर
देखु लोक बहुत कष्ट गाड़ी किणुचार आज्ञा ठीक अच्छे आपने गाड़ी बहुत परिश्रम कर पैसा दे गाड़ी किणुचे आज्ञा आम यही भरोसा आप दौ मानु गाड़ी भरोसा दौ गाड़ी सेफ रही है फुल हेलमेट अच्छे चेन लॉक गोटे चेन लॉक पकई चेन लॉक हेलमेट पकई गोटे हेलमेट अच्छे সেই কথা আমি কইছো আজি পে হেলে হ্যাঁ না আপন আমি কিছু অ্যালিগেশন করুন অ্যাট লিস্ট রাখুন আগে আগে আমি অ্যাকচুয়ালি আপন জনে আপন ওনার যদি আমি আপন জানুছি কারণ আমি গাড়ি বলক বহুত পরিশ্রম করি খটি কম হউ আজ্ঞা হ্যালো সিটি এইটি আপন যেহেতু আপন আইডি কিন্তু এইটি 300 চুরি হই পারি চুরি হেন্ডু সেটা বড় কথা ভগবান কথা বড় কথা এইটি চুরি আপন তুমি এই জিনিসটা হেজি যদি আগু হবনি বলে কি মানে নাই মো নিচর तो आगे भी अगर कोई आ रहा है भाई देखो स्टैंड में अपने कस्टडी में गाड़ी रखना भाई चेन वेन लॉक लगा के रखना और कोई भी वैल्यूएबल चीज़ छोड़ के मत नहीं जाना जो हेलमेट में आप लॉक दिया तो भी ने लॉक कर दिया ना हाँ अरे भाई बात यह है कि मेरे सीट खोल के वो कोशिश कर रहा था मतलब कोशिश किया है कि ये चीज़ लेने की ठीक है तो वो ब्लूटूथ खोल लिया है ठीक है ब्लूटूथ खोल लिया और हेलमेट लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सीट के अंदर उसके अंदर मैंने वो मतलब क्या गांठ मार के रखा था तो वो खोल नहीं पाया है ठीक है तो मैं गांठ मार के तो वो खोल नहीं पाया है तो क्या कह रहा है कुछ ऐसा सिचुएशन अगर आ गया होगा तो वो वहीं पे उस चीज़ को वहीं पे छोड़ के चला गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये कोशिश था पूरा का पूरा हेलमेट लेने का मेरा या तो उसको कुछ इंटरेस्ट आ गया है हेलमेट में क्या चीज़ लगा है वगैरह तो पूरा का पूरा वो कोशिश किया था हेलमेट लगा और दूसरा बात यह है क्या नसीब है भगवान सब कुछ सही है गाड़ी में बाकी मैं घर में जाकर देखूंगा सब कुछ सही है कि नहीं अभी तक तो मैंने तो मतलब ठीक ठाक सा है इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा आपको अगर आप कभी भी आते हैं भुवनेश्वर स्टेशन पर गाड़ी को अपने केयर में रखिए लॉक चेन लॉक ज़रूर डालिए और अपना हेलमेट को भी चेन लॉक डालिए और कोई भी महंगी चीज़ हेलमेट में लगा कर छोड़ के मत जाना यार मैं बहुत बता रहा हूँ नहीं तो आपका हो सकता है गाड़ी कुछ भी हो सकता है कोई भी स्टैंड वाला लिख लेता है गाड़ी का कोई डैमेज होगा कुछ भी होगा हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है अरे हम गाड़ी फिर स्टैंड में रख क्यों रहे हैं ताकि हमारा गाड़ी का कोई डैमेज ना हो हमारी गाड़ी सेफली रहे और वो क्या कर रहे हैं टिकट में मेंशन कर रहे हैं कि गाड़ी का अगर कुछ होता है डैमेज वगैरह उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम गाड़ी किस लिए रखे हैं आप हमको ज़्यादा दे रहे हैं गाड़ी इसलिए हम आप हमसे पैसा ले रहे हैं भाई ऐसा है तो आप और 5-10 रुपया ज़्यादा ले लीजिए ठीक है और 5-10 रुपया ज़्यादा ले लीजिए और गाड़ी को हमारा सेफ में रखिए एक इंसान इतना मेहनत करके गाड़ी खरीदता है और ऐसे हालत में अगर होगा तो कैसे होगा है कि नहीं इसके ऊपर तो कुछ होना चाहिए अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो ज़रूर आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी ताकि आगे वो अपना सतर्क हो सकें ठीक है अपना जो प्रिकॉशन है वो ले सकें अगर आप भुवनेश्वर स्टेशन आ रहे हैं गाड़ी रखने तो अपना प्रिकॉशन ले लीजिए क्योंकि ये जो गाड़ी सब पार्किंग में रख रहे हैं ऐसा लिख रहे हैं कि गाड़ी अगर कुछ डैमेज होता है कुछ होता है तो हम इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है ये बहुत गलत बात है कि हम पैसा इसलिए देते हैं कि गाड़ी हमारा वहाँ पे सेफली रहे ना कि खाली रहे वहाँ पे गाड़ी हमारा सेफली आपके पास रह रहे इसीलिए